हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीष सिंह, प्रयाग विधि महाविद्यालय नैनी प्रयागराज। टुडेज टॉपिक इज इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट से संबंधित प्रावधान सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी के सेक्शन 88 और आर्डर 35 में दिया गया है। अब इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? इंटरप्लीडर सूट को सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरप्लीडर सूट को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि जनरल सूट क्या होता है, क्योंकि बिना जनरल सूट को समझे हम इंटरप्रेटर सूट को नहीं समझ सकते। जनरल सूट में जनरली जो विवाद होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होता है, यानी कि प्लेंटिफ किसी विवाद के लिए सिविल कोर्ट में कोर्ट में प्लेंट दाखिल करता है, और प्लेंट दाखिल होने के बाद कोर्ट अदर पार्टी यानी कि जो डिफेंडेंट है उसको टाइम देता है रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जनरल सूट में एक्चुअल विवाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होता है, लेकिन इंटरप्लीडर सूट में विवाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में ना होके डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में होता है। इंटरप्लीडर सूट में विवाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया जनरल सूट में एक्चुअल विवाद प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में होता है, लेकिन इंटरप्लीडर सूट में विवाद डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में होता है। अब आते हैं प्रोविजन पे। सीपीसी के सेक्शन 88 में सिर्फ इतना बताया गया है कि इंटरप्लीडर सूट कब इंस्टीट्यूट किया जाएगा, और आर्डर 35 में इंटरप्लीडर सूट इंस्टीट्यूट करने की प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 88 में क्या कहा गया है? 88 में कहा गया है कि व्हेन टू आर मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू अनदर पर्सन सम प्रॉपर्टी मूवेबल या मूवेबल, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी एक ही संपत्ति का या संपत्ति के बारे में मांग करते हैं, तो वह व्यक्ति जिससे संपत्ति की मांग की जाती है वो इंटरप्लीडर सूट दाखिल कर सकता है। अब इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने का ऑब्जेक्ट बस इतना ही है कि जो राइवल क्लेमेंट हैं यानी कि जो डिफेंडेंट हैं उनके इशूज को कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाए, यानी कि कोर्ट फाइंड आउट करे कि एक्चुअल प्रॉपर्टी का इंटाइटल कौन होगा। ऐसे वाद में यानी कि इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ अपना कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता है सिवाय कॉस्ट एंड चार्ज, यानी कि सूट दाखिल करने में जो खर्चे आए हैं या उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने में जो चार्जेज या खर्चे या जो भी कॉस्ट लगा है उसको बस क्लेम करता है। उसके अलावा उस सूट में प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इंटरप्लीडर सूट दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में आर्डर 35 में बताया गया है। आर्डर 35 में ये कहा गया है कि इंटरप्लीडर सूट में प्लेंट के अतिरिक्त, यानी कि प्लेंट के सारे पर्टिकुलर तो होंगे ही होंगे, उसके अतिरिक्त कुछ पर्टिकुलर जो इंटरप्लीडर सूट के लिए आवश्यक हैं वो मेंशन किए जाएंगे। जैसे प्लेंटिफ इंटरप्लीडर सूट में ये मेंशन करेगा कि वो उसका इस वाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, प्रतिवादियों द्वारा जो क्लेम किए जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी से संबंधित उसको सेपरेटली उस प्लेंट में मेंशन किया जाएगा। तीसरा, ये चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में ही है। तो इस तरह आपको मैंने बताया कि इंटरप्लीडर सूट क्या होता है और इंटरप्लीडर सूट और जनरल सूट में अंतर क्या होता है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ कि इंटरप्लीडर सूट में एक्चुअल विवाद डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई विवाद नहीं होता है, जैसा कि
सेक्शन 88 में बताया गया है। सेक्शन 88 में सिर्फ इतना कहा गया है कि इंटरप्लीडर सूट कब फाइल किया जाएगा, न कि सेक्शन 88 में डिफिनीशन दिया गया है। सीपीसी में कहीं भी इंटरप्लीडर सूट को डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरप्लीडर सूट से संबंधित प्रावधान सेक्शन 88 और 35 में दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया। बाकी जो उसके इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए क्या कंडीशन है, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में कोई विवाद नहीं है, एक्चुअल विवाद जो है वो डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में है। यानी कि इंटरप्रीटर सूट में या इंटरप्रीटर सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए प्लेंट के सारे पर्टिकुलर, यानी कि जो आर्डर 7 में दिया गया है वो सारे पर्टिकुलर के अतिरिक्त ये दो तीन चीज़ें मेंशन की जाती हैं, तो इसको इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। थैंक यू।